बरेली थाना फतेहगंज पश्चिमी क्षेत्र में चाय के रुपए को लेकर ढाबा चालक की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने ढाबा चालक के 3 हत्यारोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक ढाबा चालक सेवाराम की हत्या इसलिए की गई क्योंकि 11 मार्च को सेवाराम गंगवार ने अपने ग्राहक ननकू पुत्र नवी निवासी धंतिया थाना फतेहगंज पश्चिमी से 2 चाय लेने के 20 रुपए मांगे थे, लेकिन ननकू ने विरोध किया था कि 2 चाय 16 रुपए की मिलती है। इसी बात से नाराज होकर ढाबा मालिक सेवाराम गंगवार ने ननकू का अपमान किया था। इस बात से नाराज ननकू ने अपने अपमान का बदला लेने की ठान ली। इसके बाद ननकू ने ये बात अपने गांव धंतिया के 2 लोगों को बताई। 12 मार्च को ननकू अपने 2 साथी मौजिम खां पुत्र मोइम खां निवासी धंतिया, मुन्ना पुत्र कल्लू के साथ ढाबे पर गया और अकेला पाकर ढाबा चालक सेवाराम की चाकुओं से गोद कर निर्मम हत्या कर दी और फरार हो गए। पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए 3 हत्यारोपी को गिरफ्तार करने के साथ आला कत्ल को बरामद किया है। आरोपियों को कोर्ट में माननीय न्यायालय के सामने पेश किया जाएगा। कारण था हत्या के पीछे, किस तरह से उन्होंने अंजाम दिया, तो जी पेट पीछे करो खड़ा। थाना फतेहगंज पश्चिमी के अंतर्गत 14 तारीख की सुबह एक सेवाराम गंगवार थे, ये अपनी एक झोपड़ी इनकी हाईवे के किनारे है और वहाँ पर ये खाने का सामान बेचते थे। इनकी हत्या कर दी गई थी और ये अपनी झोपड़ी के बाहर ही जो चारपाई है उस पर पाए गए थे, मृत पाए गए थे। इसमें पुलिस जब मौके पर पहुंची तो वहाँ पर इनके जो बेटे हैं उनके द्वारा एक तहरीर देकर मुकदमा धारा 302 IPC के अंतर्गत पंजीकृत कराया गया अज्ञात के विरुद्ध। पुलिस ने इसमें छानबीन की तो इसमें 3 लोगों के नाम प्रकाश में हैं, जिसमें एक ननकू उर्फ मुनव्वर खां, मुजिम खां और मुन्ना उर्फ मुशरफ खां, ये तीनों ही लोगों के नाम प्रकाश में हैं। इसमें जो 2 लोग हैं वो तीनों ही लोग हैं वो धंतिया गाँव के हैं, जो मृतक का जो पास का गाँव का है उसके रहने वाले हैं। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर।